नमस्कार। हम हमेशा आसन व प्राणायाम की बात करते हैं। हम में से बहुत लोग आसन व प्राणायाम करते भी हैं। बहुत से लोगों ने इन्हें करते हुए देखा होगा, कईयों ने इनके बारे में सुना तो जरूर होगा। आसन व प्राणायाम योग का ही हिस्सा है। आज हम योग के बारे में बात करेंगे। योग का अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना। योग द्वारा शरीर व मन जुड़ते हैं। योग हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक व सामाजिक रूप से जोड़ता है। योग जीवन को स्वस्थ रखने की कला भी है और विज्ञान भी। योग इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ शरीर को लचीला बनाने में भी मदद करता है। योग से शरीर में संतुलन आता है, मन खुश रहता है, चेहरे पर चमक आती है, मांसपेशियां व हड्डियां मजबूत बनती हैं, फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता बढ़ती है, पूरे शरीर के अंग प्रभावित होकर स्वस्थ बनते हैं। योग के कई प्रकार हैं, हठ योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि। इनमें से आज हम राजयोग के बारे में बात करेंगे। राजयोग को अष्टांग योग भी कहते हैं। इसके 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें से केवल 3 अंग आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास आम लोगों द्वारा किया जाता है। आसन क्या है, अब हम इसके बारे में जानते हैं। आसन शरीर को अधिक से अधिक समय तक एक ही स्थिति में रोक कर रखता है। इसमें शरीर को दाएं बाएं आगे व पीछे मोड़ा जाता है तथा मांसपेशियों में खिंचाव किया जाता है और उन्हें ढीला छोड़ा जाता है। प्राणायाम में हम सांसों पर नियंत्रण करना सीखते हैं। सांस लेना, सांस को बाहर छोड़ना, अंदर व बाहर रोक कर रखना प्राणायाम के अंतर्गत आता है। ध्यान सहजता से एक ही जगह पर बैठकर किया जाता है। ध्यान के लिए बैठने के लिए चद्दर, आसन या मैट का प्रयोग करना चाहिए। बैठने की स्थिति ठीक होनी चाहिए। आसपास का वातावरण शुद्ध होना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं तो मन शांत होना चाहिए। इससे ध्यान प्रभावशाली तरीके से हो पाता है। योग सभी के लिए लाभकारी है, परंतु इसका पूरा लाभ लेने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। योग का अभ्यास प्रतिदिन करें। अभ्यास के लिए स्वच्छ, साफ, खुला, हवादार स्थान होना चाहिए। जब हम योग का अभ्यास करें तो इसे तीव्र गति से न करें। किसी भी अंग में झटका लगने से बचें। अभ्यास करते समय जिस आसन का अभ्यास कर रहे हैं उससे संबंधित अंगों पर ही अपना ध्यान रखें। शरीर को थकने से बचाएं। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर अपने शरीर को विश्राम दें। कुछ देर आसन का अभ्यास न करें। किसी भी प्रकार की जबरदस्ती न करें। जब आसन का अभ्यास हो जाए तो शवासन, शिथिलासन आदि में विश्राम करें। योग जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। योग करने से तनाव से मुक्ति मिलती है। ओम की ध्वनि व भ्रामरी प्राणायाम करने से मस्तिष्क में जो कंपन होती है उससे तनाव दूर होता है। ध्यान का अभ्यास करने से तनाव, चिंता व अवसाद को कम करने में मदद मिलती है।
कुछ आसन व प्राणायाम ऐसे हैं जिनका अभ्यास हमें तनाव से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। आसनों में शशकासन, भुजंगासन, सर्पासन, सेतुबंधासन, पादुतानासन, सर्वांगासन आदि ऐसे आसन हैं जो हमें तनाव से मुक्त करने में सहायता देते हैं। योग का अभ्यास हमें सकारात्मकता देता है। योग का अभ्यास करने से कंसंट्रेशन बढ़ती है, कॉन्फिडेंस आता है, मन को शांति मिलती है तथा मस्तिष्क को ताकत मिलती है। योग करने से सहन करने की शक्ति बढ़ती है। योग करने से जीवन शैली में सुधार आता है। योग करने वाला व्यक्ति डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने लगता है। वह रात को समय पर सोता है, सुबह जल्दी उठता है, योग का नियमित अभ्यास करता है, समय पर खाना खाता है। लाइफस्टाइल में ये बदलाव उसके जीवन को स्वस्थ बनाते हैं। योग के बारे में जितना कहा जाए कम है। आज कुछ बातें मैंने योग के बारे में बताई। विभिन्न प्रकार के आसन व प्राणायाम आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं। आशा करती हूँ आप योग को अपनाएंगे और इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।